ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ इज़ अमित कुमार सोनी। आई एम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड मुंबई। सो एज ऑल नो कि जेई एडवांस रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड 2024 एंड वी हैव अ वेरी प्रॉमिसिंग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पैन इंडिया। जस्ट टू अपडेट द स्टैटिक्स, तो वी आर हैविंग नेशनली 3081 जे एडवांस क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आउट ऑफ 48,248। सो दिस ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड एज पर एन टी ए डेटा, दैट इज़ 48,248 एंड अपियर्ड स्टूडेंट्स फॉर द जे एडवांस हु हैव नो फॉर द पेपर वन एंड पेपर टू, दैट नंबर इज़ 180,200। सो दिस इज़ द स्टैटिक्स आउट ऑफ 48,248। आकाश हैज़ एबल टू प्रेजेंट 3,881 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड कंट्री वाइड। कमिंग ऑन दी महाराष्ट्र पार्ट, सो अक्रॉस दी वेस्ट जोन वी हैव 12 स्टूडेंट्स अंडर टॉप 1000 नो ऑल इंडिया रैंक एंड फ्रॉम मुंबई वी हैव नो स्टूडेंट्स लाइक क्रिश वेदक हैविंग 849 ऑल इंडिया रैंक एंड अभिनव मिश्रा 1163 ऑल इंडिया रैंक। So these are the some important results so far from the Bombay and Akash Educational Services Limited for the J Advanced. Any questions? देखिए, in the ecosystem of Akash Educational Services Limited, we have a very strong mechanism regarding the test preparation. Testing ecosystem that includes All India Test Series of Akash, Spotlight program where the advanced specific contents are being delivered, and apart from that we have a very researched study package which we call as Target. So we have various levels in the Target package jahan ki bachcho ko advanced ke specific questions milte hain. So every year the pattern of exam varies in terms of marking and all that. सो उन सभी के लिए टारगेट पैकेज, स्पॉटलाइट प्रोग्राम, इवन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम इज़ वेल सफिशिएंट टू केटर स्टूडेंट्स अप टू द ऑल इंडिया रैंक वन। या हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ द मेंटल प्रेशर द स्टूडेंट्स आर फेसिंग दिस डेज एंड कैसे आप लोग मैनेज कर इस चीज़ को? राइट, सो व्हाट हैपेंस कि देखिए, जब बच्चा तैयारी करता है किसी एग्जाम की तो उसके अप्स एंड डाउन्स आते हैं, राइट? So in the journey from the, let's say, 2-year, 3-year journey of the student for the JEE exam, especially advanced, so there are various ups and downs. So बच्चे को कभी लगता है कि क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन सही हो जाता तो मेरे को मतलब कि let's say 80% मार्क्स आ जाता है एडवांस में। कभी इसके मार्क्स स्लिप करते हैं, let's say 60% जाते हैं, कभी इसके 85% मार्क्स स्लिप करते हैं। तो उस उन इन सभी टर्मोइल में बच्चे को क्या है कि एक मोरल सपोर्ट चाहिए होता है ना, मोटिवेशन चाहिए होते हैं कि नहीं बेटा, अभी आपका ये पेपर का लेवल हाई था, इसमें आपने इतना भी स्कोर किया है तो अगर इसको आप कंपेयर करें विद द नेशनल परफॉर्मेंस तो इट इज़ एट पार। सो कांस्टेंट मोटिवेशन, कांस्टेंट मेंटरशिप एंड ऑफ कोर्स द डिस्कशन ऑन द माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ द एरर एनालिसिस, राइट? जो बच्चा गलतियाँ कर रहा है उसकी माइक्रो मैनेजमेंट कर उसको अगर हम रियलाइज़ कराएँ नहीं ये आपकी मतलब कि टारगेटेड मिस्टेक्स हैं, इसको आप रेक्टिफाई करें एंड दीज आर टूल्स टू रेक्टिफाई, तो बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है नहीं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टेस्ट आई विल इम्प्रूव। सो विद द प्रोग्रेस ईयर बाय इन द 2 इयर्स जर्नी बच्चा फिर टेस्ट बाय टेस्ट इम्प्रूव करता है। ओवरऑल आकाश का एक्सपीरियंस यहाँ पे पढ़ने का मेरा बहुत अच्छा रहा, और ओवरऑल मेरा 2 ईयर प्रोग्राम था और इस 2 साल में मैंने सारे टीचर्स ने मेरी बहुत मदद की। मेरा मेन फोकस था मेरे डाउट्स क्लियर करना और मेरे कॉन्सेप्ट्स पे अपना स्ट्रेंथ बिल्ड करना, और उसके लिए आकाश के टीचर्स ने बहुत मदद की, उन्होंने मेरे सारे डाउट्स टाइम टू टाइम क्लियर किए। आकाश के टेस्ट सीरीज़ ने भी बहुत मदद की, उन्होंने दैट वॉज अ वेरी गुड मेथड फॉर रिविजन, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर सिलेबस रिवाइज करने में टेस्ट हेल्प असर हो। तो based on that this is what I have. Brief your journey, how things happen? हाँ, डेफिनेटली इन 2 साल में पेरेंट्स का सपोर्ट तो
बहुत ही क्रूशल रहा, क्योंकि एज सर सेड और मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया है, जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, कई बार टेस्ट में बहुत लो स्कोर्स भी आए थे। उस समय एक मॉरल सपोर्ट चाहिए था जो टीचर्स ने भी प्रोवाइड किया और पेरेंट्स ने तो बहुत ही ज़्यादा मदद की इस सिचुएशन में। दे ऑब्वियसली केप्ट मी मोटिवेटेड थ्रू आउट दीज टू ईयर्स एंड द टीचर्स ऑल्सो कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडेड देयर मॉरल सपोर्ट। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैसेज तो यही रहेगा कि आप बस अपनी तरफ से 100% पुट इन कीजिए, क्योंकि अगर आप अपना 100% नहीं दोगे तो वो अल्टीमेटली आपको ही खटकेगा कि यार शायद मैं और मेहनत कर पाता। तो आप अपनी तरफ से अपना 100% दीजिए, अपनी तरफ से कोई भी लूप होल्स ना छोड़िए और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। मैंने 11th स्टैंडर्ड में आकाश विरार में एडमिशन लिया था और वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट की थी। तो इनिशियली भी वहाँ पे जो टीचर्स थे उनका बहुत ही मतलब वो टीचर्स सपोर्ट करते थे और उन्होंने इनिशियली जो बेस आया था बिल्ड करने के लिए कि जिसके ऊपर आप एडवांस देने जाते हो, तो इनिशियली उसमें बहुत ही मतलब बेहतर तरीके से बताया कि कैसे करना है क्या करना है। एग्ज़ाम की एग्ज़ाम देने से पहले आपको एग्ज़ाम को पढ़ना पड़ता है, एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ना पड़ता है, एग्ज़ाम को पढ़ना, एग्ज़ाम क्या पूछना चाह रहे हो, कैसे बच्चों को चाहता है कि मैं सिलेक्ट करूँ, तो वो सब अंडरस्टैंडिंग भी टीचर्स ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बिल्ड की। और जो पढ़ाई था वो तो जैसे कि कृष्ण ने बताया कि उसमें कॉन्स्टेंट सपोर्ट रहता था और बहुत ही बढ़िया तरीके से डाउट्स का क्लियरेंस होता था और क्लास में जो थ्योरी लेक्चर्स होते थे वो भी अच्छे होते थे। जिस टाइप के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए थे अगर आप अपनी तरफ से पूरा हार्डवर्क पुट इन करके उनको सॉल्व करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छे थे, और मटेरियल को सॉल्व करके आप बहुत आसानी से जो अच्छे रैंक्स होते थे एडवांस के अंदर वो ला सकते हैं। मैसेज मेरा यही रहेगा कि क्या करना है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, वो सबको पता रहता है कि मुझे पढ़ाई करनी है और बैठ के पढ़ना है। जब तक कोई बच्चा बैठ के बुक खोल के नहीं बैठेगा तब तक उसका कुछ नहीं होने वाला है, वो रिजल्ट्स नहीं ला पाएगा। तो अगर किसी को कोई चीज़ यहाँ से एक सीख के जानी तो यही रहेगा कि एट द एंड आपको जब तक फिज़िकली आप उसमें पुट इन वर्क नहीं करोगे, जब तक आप बुक खोल के बैठ के नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसकी जो चीज़ आपको करनी है वो बहुत सिंपल है, बुक खोलना है और बैठ के पढ़ना है। तो कोई यहाँ से कुछ सीखे जा रहा है तो वही कि हार्डवर्क तो पुट इन करना पड़ेगा, इससे मतलब बिना कुछ किए तो नहीं आने वाला है। सी हार्डवर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरी ईयर वी सी दी कट ऑफ ट्रेंड। आप देखिए तो लास्ट ईयर इट वॉज समवेयर 23% जे एडवांस कट ऑफ, राइट, दिस टाइम इट इज़ 30.34%। तो एवरी ईयर द कट ऑफ इज़ इंक्रीजिंग, पेपर में बच्चा परफॉर्मेंस शो कर रहा है बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स, मेंटर्स एफर्ट ऑफकोर्स, तो आकाश के बच्चे मतलब कि लीड कर रहे हैं। अब इसमें यही कि हमें कोई सिली एरर्स नहीं करने, बच्चे की क्वेरी आती है ना कि हमारे सिली एरर्स हो गए तो वो आपको अवॉइड कर दे, क्वेश्चंस कौन से छोड़ने वो भी इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक कि डेफिनेटली स्टूडेंट्स विल लीड, तो वो है। सर आप बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए तो आज के दिन आप बच्चे आपकी निगरानी में किस तैयारी करते हैं? गुड आफ्टरनून, मेरा नाम कुलदीप जडेजा है और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा बच्चे 2 साल के लिए आते हैं जेई एडवांस जेई मेंस की प्रिपरेशन के लिए, उनकी डे वन से हम जो है उनकी मेंटरिंग, जैसे आयुष ने कहा कृष ने कहा कि हमें डे वन से उनकी मेंटरिंग करनी है, उन्हें गाइडेंस देना है, डिफ़िकल्टी लेवल कैसे होती है, कैसे एरर एनालिसिस करना है, ये हम पूरा उनको 1-to-1 मॉनिटरिंग करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनके साथ जो है बैठ के हम भी वर्क करते हैं। तो जिसमें हम पूरा एक नो होलसम प्रोग्राम, एक कम्प्लीट कोर प्रोग्राम लेके चलते हैं जिसमें एक एक बच्चे को जो है हम पूरा उसके साथ बैठ के कहाँ पर इसकी वीकनेस है कहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ है। तो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पहले एग्ज़ाम को समझना पड़ता है कि वो क्या प्लेग्राउंड है, उस पर कैसे खेलना है, किस से चलना है, क्या लूप होल्स है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। तो ये पूरा हम उनके साथ जो है जर्नी कंडक्ट करते हैं। सर आप हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पुनीत मेहरा, आई एम द रीजनल सेल्स एंड ग्रोथ हेड फ्रॉम मुंबई। सो माय जॉब इज़ टू एट द इनिशियल स्टेज ऑफ स्टूडेंट्स, जब वो अपना प्लान कर रहे होते ड्रीम कर रहे होते करियर, सो मुझे उनको मिलना और उनको डिस्कस करना कि कैसे अपने करियर को प्लान करना है। सो इट्स लाइक ए करियर काउंसलिंग। सो हम स्कूल्स में विजिट्स करते हैं, स्कूल में बच्चों की क्वेरीज लेते हैं, उनको आप सॉल्व कराते हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो फाउंडेशन क्लासेज हो। तो बच्चों के प्रॉपर गाइडेंस देना मेरा जो मेन काम है वो आकाश इंस्टीट्यूट में, और मैं पिछले 12 साल से आकाश इंस्टीट्यूट में काम। मेरा नाम रतनेश पांडे है, मैं मुंबई आकाश विधान का असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ।
तो यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो बेसिकली 4 ईयर्स का के कोर्स के लिए भी आते हैं, 2 ईयर्स के लिए भी आते हैं। 4 ईयर्स कोर्स के लिए जो बच्चे आते हैं उनको ज़्यादा टाइम मिल जाता है ITJEE को क्रैक करने के लिए, कंपेरिजन टू की जो 2 साल के बच्चे आते हैं। जर्नी जब बच्चे की शुरू होती है तो केवल बच्चे की जर्नी नहीं शुरू होती है, बेसिकली 3 लोगों की जर्नी स्टार्ट होती है, टीचर की, पेरेंट की और बच्चे की। सिलेक्शन उस बच्चे का होता है जहाँ पर 3 लोगों ने मिलकर हार्डवर्क किया हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बट उसको टीचर या पेरेंट का सपोर्ट नहीं मिल पाया तो उस तरह वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो 3 लोगों का सपोर्ट जब तक होता है तब तक बच्चे को सक्सेस नहीं मिल पाता। आकाश का जो सिस्टम है कि हम बच्चे को JEE एडवांस कैसे क्रैक कराएंगे, उसके लिए जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा मतलब बेहतर है कि कोई भी कॉम्पिटिटर जो दूसरे हैं उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बच्चे को गाइड करने के लिए जो हमारे पास फैकल्टीज हैं वो एकदम एक्सीलेंट फैकल्टीज हैं। उनका जो प्रोसेस होता है, रिटर्न एग्ज़ाम होता है उनका, उनका डेमो होता है, उनका इंटरव्यू होता है, मतलब ऑल इंडिया लेवल पर जो सबसे बेस्ट टीचर्स होते हैं, फिर जो फैकल्टीज होते हैं वो हमारे पास हैं। तो हम लोग यही ट्राई करते हैं कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो सारे के सारे जिस साल भी वो JEE एडवांस का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सब JEE के अंदर चले। सर आप काउंसलिंग हेड फॉर बॉम्बे। मेरा काम जो है एटलीस्ट प्री एकेडमी, जो हमारे पास बच्चे आते हैं एडमिशन लेने के लिए, हम उसको पहले प्री काउंसलिंग करते हैं ऑन द कैरियर एस्पेक्ट। हम स्कूल से लाइजनिंग करते हैं जहाँ से हमसे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए फॉर कैरियर काउंसलिंग एंड पोस्ट कैरियर काउंसलिंग वी पुट इट देम टू एन एकेडमिक लाइन ऑफ। एकेडमिक लाइन ऑफ के बाद हमारी एकेडमिक टीम उनको प्रॉपरली गाइडअप करती है एंड देन वी टेक इट फॉरवर्ड फॉर एडमिशन। और उसके बाद हमारी एकेडमिक टीम उनको द बेस्ट स्ट्रेटेजिक टीम अप एंड मेंटोरिंग करके इन टर्म्स ऑफ डाउट सेशन हो जाता है, उनके डाउट्स क्लियर कराते हैं, व्हाट आर द बेस्ट सिलेबस उनको कराना है। सी रिजल्ट्स के लिए लार्जली क्या है ना कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और हाँ, अपना टाइम किन क्वेश्चंस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चंस की वैल्यू समझते हैं कि भाई लास्ट ईयर की क्वेश्चंस की ये ट्रेंड रहे हैं और उस जैसे क्वेश्चंस पर हम टाइम इन्वेस्ट करें और उनको सॉल्व करने की हम एबिलिटीज सीखें विद दी मेंटर्स, विद दी आकाश इकोसिस्टम एंड विद दी पैकेजेस ऑल दैट। तो कोई कारण नहीं कि बच्चा IIT में ना जा पाए, ठीक है। अगर बच्चे ने एंड टू एंड प्रोसेस भी फॉलो कर लिया आकाश का तो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ थिंकिंग कि वो IITs में इंटर नहीं करेगा, है ना। सी बेसिकली वी आर टेक इनेबल्ड, है ना, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, बिकॉज JEE एडवांस इज़ बेसिकली अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, राइट। सो बच्चों को जितना एक्सपोजर मिले टेक्नोलॉजी का, बच्चों को बेसिकली उनके जो कंटेंट को सिखाने में वी हैव अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। सपोज करिए हमने क्लास में मैं डिलीवर कर रहा हूँ लेट्स से सॉलिड स्टेट, अब वो सॉलिड स्टेट कंटेंट को हमें 3D डायमेंशन में बच्चों को सिखाने के लिए अगर टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड करते हैं लाइट, तो बच्चा उसको इजीली परसीव करता है और उसको अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो क्लासरूम्स आर ऑफ कोर्स नो LED इनेबल्ड, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, तो दैट हेल्प्स स्टूडेंट टू लर्न इन मच बेटर वे, राइट। तो